फिरोजाबाद में दर्जनों सपा व आईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने बसपा का दामन थामा। जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकत दिखाती नजर आ रही हैं। मामला फिरोजाबाद लोकसभा का है, जहां से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने अक्षय यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने संयुक्त प्रत्याशी अक्षय यादव एवं समाजवादी पार्टी का विरोध भी फिरोजाबाद में नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी और एआईएमके के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया, जिसमें बसपा मंडल प्रभारी डॉक्टर ज्ञान सिंह व महानगर अध्यक्ष सैयद इसार, जिलाध्यक्ष ब्रजेश वरुण के नेतृत्व में बसपा के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में मेहरान अली द्वारा दर्जनों समर्थक और साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली। पार्टी ज्वाइन करने में हुसैन अलवी, राजू कादरी, इंतजार अली, फैसल सिद्दीकी, औसद आद लोग मौजूद रहे। अरविंद कुमार, फिरोजाबाद, समाचार 24। क्या नाम है? मेरा नाम हुसैन अलवी है, समाजवादी पार्टी जिला सचिव। आज मैं इस्तीफा देता हूँ। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिला फिरोजाबाद में, अगर वो चाहती, जैसे अभी देखा होगा दो तीन दिन पहले अखिलेश जी आए थे, चाहते तो 2022 में आ सकते थे, हम विधायक बन सकते थे। वो नहीं चाहते कि जिला फिरोजाबाद में मुस्लिम कोई समाज का कोई विधायक बने या कोई बड़े नेता पैदा हो। वो खत्म करना चाहते हैं मुस्लिम को। जब उनका वक्त आता है तो फर्ज बचाने के लिए या नारे लगाने के लिए मुस्लिम को याद किया जाता है, और कुछ नहीं। आज हम जैसे अगर राजू कादरी साहब, मेहरान अली साहब और फैसल सिद्दीकी साहब, 10-20 लोगों ने हमारे संगठन जो भी है बसपा ज्वाइन की है, उनकी नीतियों को समझ कर, और यहाँ तक भी है बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों को पार्टी यानी मजबूती देंगे, आगे बढ़ाएंगे और गांव-गांव जाएंगे, एक ही नारा फैलाएंगे, समझ गए नहीं, घर 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 झंडा होगा, ठीक है। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंजन सोली है, और आज बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं, और हम सब उनका स्वागत करते हैं। और जो बहुजन समाज पार्टी की नीतियां हैं, उन नीतियों को आगे प्रचार प्रसार करने का काम ये सब लोग करेंगे। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम? क्या नाम है आपका? निशर भाई। हाँ, बैठ गए। क्या नाम है आपका? मेहरान अली, मैं पूर्व में समाजवादी पार्टी से नेता हूँ। आज मैंने बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन किया, और मेरे सभी साथियों ने, इंतजार अली हैं, हुसैन भाई हैं, औसद अली हैं, गुलफाम भाई हैं, उमर है, फैसल है, तमाम लोग, राजू कादरी साहब, हम लोगों ने आज समाजवादी को बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। और इंशाल्लाह जो सवाल और जवाब हैं, जो बाकी की जो चीज़ें हैं, बारीकी के साथ, क्योंकि हमारे साथ अगर एक दफ़े अपमान हुआ तो उसका पूरी तरीके से हिसाब लिया है, क्योंकि हमारे नेता ज्ञान सिंह जी ने भी कहा था, जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और इंशाल्लाह अब नौजवान यहाँ पर जाग चुका है, जो लीडर थे वो पूरी तरीके से अपने मफाद में परस्त पूरी तरीके से लिप्त हो चुके हैं। उनको इस शहर की, इस आवाम की, इस कौम की कोई उन्हें चिंता नहीं है, कब पता नहीं कौन कहाँ चला जाए। इसलिए नौजवान को जागने की ज़रूरत है। ईसर साहब के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठाकर बहन कुमारी मायावती जी ने पहले भी मुस्लिम समाज को काफ़ी टिकट दिए हैं। सबसे ज़्यादा लोकसभा पे अगर देखोगे तुम, 10 सांसद बहन कुमारी मायावती जी के थे। ये खुद अपनी सीटें बचाने में नाकामयाब रहे हैं। वहाँ पर नेताओं की ज़रूरत नहीं है, नारे लगाने वाले कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। सिर्फ मुसलमानों को नारे लगाने के लिए बुलाया जाता है, बाकी जो लीडर हैं फॉर्चूनरों में चलते हैं यादव समाज के लोग। दो इनका बैंक वोट था, एक था यादव, एक मुस्लिम, एक तकवा इतना कमजोर है। मैंने देखा समाजवादी पार्टी के कई नेता सिर्फ लिफाफों में जिंदा रहते हैं, फटी हुई मोटरसाइकिलों पर चलते हैं, और वो 4 दिन होते किसी यादव समाज के लीडर को आए हुए, अच्छे यादव अपने बगल में घुमाते हैं। बड़े बड़े लीडरों को भी मैंने सुनते हुए देखा है, अब आप घर जाइए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हम लोग जो राजनीति में आए अपने फायदे के लिए नहीं आए, समाज को एकत्र करने के लिए, उनकी आवाज़ को उठाना है, समाज के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए आए। और इंशाल्लाह हर तरीके से जो आदेश दिशा निर्देश मिलेंगे बहुजन समाज पार्टी द्वारा, पूरी तरीके से ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे, और बहन जी के आदेश पर और उनके नेतृत्व में एक अच्छी राजनीति की शुरुआत करेंगे। ठीक।